जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण। विद्यार्थियों बधा मजा में छो ने? गया लेक्चर में आपणे यूनिट 62 अने 63 नो अभ्यास कर्यो हतो। यूनिट 62 में आपणे चित्रों द्वारा एना स्पेलिंग, उच्चार अने अर्थ शीखी गया। तमे बधा स्पेलिंग मोढे कर्या हशे ने, उच्चार अने तेना अर्थ पण आवडता हशे ने। चलो आजे यूनिट 64 तेमा शू छे कि नीचेना गुजराती अर्थ सामे अंग्रेजी उच्चार लखो। विद्यार्थीओ आमा शू आपेलू छे, गुजराती अर्थ तेनी सामे आपणे शू लखवानुं छे, अंग्रेजी उच्चार। यूनिट 62 अने 63 मां हतुं ते ज प्रमाणे छे, तेमा स्पेलिंग, उच्चार अने अर्थ हतुं। आमा शू छे, गुजराती अर्थ आपेला छे तेनी सामे अंग्रेजी उच्चार आपणे लखवाना छे। पेटी, पेटी ने आपणे अंग्रेजी में शू कहीशुं? बॉक्स। पेटी एटले बॉक्स। टोपी, टोपी ने शू कहेवाय? हेट। टोपी एटले हेट। बंदूक, बंदूक ने अंग्रेजी में शू कहीशुं? गन। बंदूक एटले गन। पलंग, पलंग ने अंग्रेजी में शू कहेवाय? कोट। पलंग एटले कोट। गाय, गाय ने शू कहेवाय? काऊ। शू कहेवाय? काऊ। गाय एटले काऊ। पेन, पेन ने अंग्रेजी में शू कहीशू? पेन। रमकड़ू, रमकड़ू तेने अंग्रेजी में टॉय कहेवाय। रमकड़ू एटले टॉय। मरघी तेने शू कहीशू? हेन। मरघी एटले हेन। छोकरो, छोकरा ने अंग्रेजी में शू कहेवाय? बॉय। शू कहेवाय? बॉय। छोकरो एटले बॉय। अंजीर, अंजीर ने शू कहेवाय? फीग। अंजीर एटले फीग। दफ्तर, तेने बेग। दफ्तर एटले बेग। टाकणी, टाकणी ने अंग्रेजी में शू कहेवाय? पीन। टाकणी एटले पीन। माणस, माणस ने शू कहीशू? मेन। माणस ने अंग्रेजी में शू कहेवाय? मेन। डब्बो, डब्बा ने अंग्रेजी में शू कहीशू? टीन। डब्बो एटले टीन। नळ, नळ ने शू कहेवाय? टेप। नळ એટલે ટેપ। ખબર પડી વિદ્યાર્થીઓ? તો તમારે ગુજરાતી અર્થ છે તેની સામે અંગ્રેજી ઉચ્ચાર આપેલા છે તે તમારે મોઢે કરવા ના। યુનિટ 65 નીચેના અંગ્રેજી ઉચ્ચાર સામે ગુજરાતી અર્થ લખો। વિદ્યાર્થીઓ યુનિટ 64 માં શું હતું? ગુજરાતી અર્થ સામે અંગ્રેજી ઉચ્ચાર લખો। અને યુનિટ 65 માં શું છે? અંગ્રેજી ઉચ્ચાર સામે ગુજરાતી અર્થ લખો। વિદ્યાર્થીઓ આ બાજુ શું આપેલું છે? અંગ્રેજી ઉચ્ચાર, તેની સામે શું લખવાનું છે? ગુજરાતી અર્થ। લેગને ગુજરાતીમાં શું કહીશું? પગ। લેગ એટલે પગ। ટેપ, ટેપને શું કહેવાય ગુજરાતીમાં? નળ। ટેપ એટલે નળ। મેન, મેન એટલે માણસ। મેન એટલે માણસ। ટીન, ટીનને શું કહીશું? ડબ્બો। ટીન એટલે ડબ્બો। પીન, પીનને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? ટાકણી। પીન એટલે ટાકણી। બેગ, બેગને ગુજરાતીમાં દફતર કહેવાય। બેગ એટલે દફતર। બોય, બોયને ગુજરાતીમાં છોકરો કહેવાય। બોય એટલે છોકરો। ફીગ, ફીગ એટલે અંજીર। ફીગ એટલે અંજીર। હેન, હેન એટલે મરઘી। હેન એટલે મરઘી। ટોય,
टॉय एटले शुं थाय रमकडुं टॉय एटले रमकडुं काउ काउने गुजरातीमां शुं कहीशुं गाय काउ एटले गाय पेन पेनने गुजरातीमां पेन ज कहेवाय छे पेन एटले पेन पेन पण कही शकाय अने कलम पण कही शकाय कोट कोट एटले पालंग कोट एटले पालंग गन गन एटले बंदूक गन एटले बंदूक बॉक्स बॉक्स एटले पेटी बॉक्स एटले पेटी विद्यार्थीओ आमां तमारे अंग्रेजी उच्चार आपेला छे तेनी सामे मैं गुजराती अर्थ लखेला छे तमारे अंग्रेजी उच्चार सामे गुजराती अर्थ मोढ़े करी देवा ना आज मैं तमने यूनिट 64 अने 65 शीखवाड्यू ते तमारे अंग्रेजीनी चालीटीवाड़ी नोटमां लखवानू अने तेनू वारंवार वाचन करवानू जेथी तमने गुजराती अर्थ सामे अंग्रेजी उच्चार आवड़ी जाए अने अंग्रेजी उच्चार सामे गुजराती अर्थ मोढ़े लखता आवड़ी जाए जय स्वामीनारायण।